आज की बड़ी खबर, जहां औरंगाबाद में एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीमों ने संदिग्ध आतंकवादियों से संबंध रखने के आरोप में छापेमारी की। ये कार्रवाई शनिवार सुबह की गई, जिसमें 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि औरंगाबाद के 2 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। खुफिया एजेंसियों को शक था कि पकड़े गए संदिग्धों का संपर्क पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद संगठन के आतंकवादी हैंडलर से था। पिछले कुछ महीनों से उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी, जिसके बाद एनआईए और एटीएस की टीमों ने रहीम नगर और किराटपुरा इलाकों में छापेमारी की। एनआईए और एटीएस की टीमें 2 संदिग्धों को सुबह 9 बजे एटीएस कार्यालय ले गईं। हालांकि पूछताछ के बाद दोनों को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। फिलहाल जांच जारी है और जल्द ही इस मामले में और खुलासे होने की उम्मीद है। मैं सैयद इलियास कासमी आप तमाम को ये बात बताने के लिए मीडिया पर आया हूँ। आज सुबह 4 बजे एटीएस के लोगों के साथ कुछ दिल्ली से अफराद आए थे और 4 बजे आने के बाद घर में उन्होंने पूरी इंक्वायरी की, सब चीजों को देखा और उसके बाद हमको टीवी सेंटर पुलिस स्टेशन लेकर गए और उनको कुछ बात मालूम हुई थी उसकी तहकीक के लिए, इंक्वायरी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5-6 घंटे तक घर में भी रहे और पुलिस स्टेशन में भी तहकीक की, मुख्तलिफ सवाल किए, उनको इत्मीनान बख्श जवाब मिले तो उन्होंने हमको क्लियर चिट दी और कहा कि आपको कोई मसला नहीं है, आप जा सकते। तमाम लोगों को मालूम है कि वार्ड नंबर 42 किराड़पुरे के अंदर एनआईए की टीम सवेरे 4 बजे से आई थी। ये पूरे हमारे को 4:10 को मेरे को फोन आया कि भाई ऐसा ऐसा मसला है, तो मैं यहाँ पे 7 बजे आया तो हमारे पास में हमारे इलियास भाई के साथ में 8:30 बजे इनके घर से यहाँ से लेके गए। बहुत सारी पूछताछ हुई इस बारे में और पूछताछ के बाद में इन्होंने जो सवाल किए एनआईए ने उसका सही तरीके से इन्होंने जवाब दिया, जवाब देके उनको पूरा भरोसे में लिया और वो लोग पूरे एकदम इत्मीनान हो गए इनके पूरे सवालों के जवाब में। और उन्होंने बाद में 5:30 बजे उनको कहा कि आप हम अब उससे आपको भरोसा हमको भरोसा आ गया, अब जो बात कर रहे सही बात कर रहे, आप यहाँ से आप घर को जा सकते। इनको एक पेपर पे एक साइन लेके इनके भाई के हवाले इनको किया गया कि भाई आपको हमारे भाई को आपके भाई को हमारे आपके हवाले किया गया। पर मैं कुछ लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मसला अगर आया या कुछ बात आती सिर्फ मुसलमानों पे आती और यहाँ पे पूरे चैनल के लोग आए, पूरे हिंदुस्तान के पूरे महाराष्ट्र के चैनल के लोग आए, मराठी चैनल के लोग आए और उन्होंने इस तरीके से हमारे इस एरिया को बताया कि यहाँ पे बहुत आतंकवादी रहते और बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, बहुत बड़ी, जबकि ये कार्रवाई थी पर ये कार्रवाई रूटीन कार्रवाई थी, इनका कुछ उनका कोई मसला था इसमें मालूम होने वाला था तो वो हिसाब से उसको उन्होंने रूटीन कार्रवाई का करते हुए 10-12 घंटे 5 घंटे जो है तो घर में पूछताछ की, 4-5 घंटे बाहर करे और उनके मकान में उनके घर पे एक सुई तक नहीं मिली। तो ये चीज उनको उनके समझ में आई कि भाई हमको जो मालूमात मिली थी वो गलत मिली थी और इनको इन्हीं के साथ में एक हमारे और एक दूसरे हमारे अल्तमश के हमारे एक भाई दोनों भी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे घर को उनके घर को आ चुके। ये दोनों भी हमारे जो महल्ले के थे शहर के थे, ये उन्होंने एनआईए ने इनको छोड़ दिया। सही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आजाद बोल न्यूज़, सही खबर सही लोगों के लिए।